क्या हुआ? स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया क्या? ऐसी बात नहीं है बड़े भैया, दरअसल पतलू के चाचा से स्कूटर लिया है चलाने के लिए, लेकिन बिना हेलमेट पहने स्कूटर या मोबाइल चलाना नहीं चाहिए, इससे हमारी जान को खतरा है और पुलिस भी पकड़ लेती है। इसीलिए हेलमेट की दुकान ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रही। इनको ये पुराना मुकुट बेच देता हूँ, कितने सालों से पड़ा है कोई खरीदता ही नहीं। ये लो, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अरे भैया, मैं किस दिन काम आऊंगा? मैं तुम्हें इंडियन हेलमेट देता हूँ, ऐसा हेलमेट जिसे बड़े बड़े राजाओं ने पहना है। ये तो मुकुट है, हेलमेट कहाँ है? यही तो इंडियन हेलमेट है। हाँ, क्या बोलते हो? और तुम लोग भी तो फुरफुरी नगर के राजा हो। वो तो है। फिर देर किस बात की, ले जाओ इसे और अपनी शान बढ़ाओ। एकदम सस्ते में दूंगा भैया। एकदम सस्ते में? अब कितना दे? जो चाहे दे दो। बात में दम है बड़े भैया। चलो आज पीछा छूटा उस पुराने मुकुट से। अरे ये रोशनी कैसी थी? कम अकल मंत्री, ये हमारा तेज है जो चारों तरफ फैला है। अच्छा अच्छा, अब बकबक बंद कर मोटू और स्कूटर चला। क्या कहा मोटू? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि फुरफुरी नगर के महाराजा मोटेश्वर को मोटू कहा? मंत्री, पहली गलती है, क्षमा कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती हुई तो सर कलम कर दूंगा। अच्छा अच्छा, अब स्कूटर चला। क्या कहा? हम वाहन चला के तुम्हारा सारथी बने? इतनी हिम्मत? हम राजा है, हम बैठेंगे, तुम वाहन चलाओगे। सारथी वाहन चलाओ। तो फिर हेलमेट मुझे दो। हमारा मुकुट छीनता है देशद्रोही गद्दार, ये ले। मंत्री, अरे मंत्री कहाँ जा रहे हो? वाहन कौन चलाएगा? चक्कर आ रहे हैं। अरे इसे क्या हो गया? सचमुच राजा की तरह हरकत कर रहा है। और क्या जोरदार थप्पड़ मारा है, इतनी ताकत कहाँ से आ गई? कुछ तो गड़बड़ है। अब फिर कभी हमारा मुकुट छीनने की गलती करोगे? नहीं महाराज, हरगिज नहीं। चलो देखते हैं कि हमारे राज में कहीं महंगाई तो नहीं बढ़ रही। अरे भैया, समोसे क्या भाव दिए? अब ये नया ड्रामा क्या है, कोई नाटक कर रहे हो? रे, समोसे का भाव पूछ रहे हो, पहले का पैसा तो दो। मंत्री ये क्या कह रहा है? तुम हमारी प्रजा से उधार खाते पीते हो, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मंत्री की भूल को क्षमा करना मित्र, हम आज ही अपने खजाने से 100 सोने के सिक्के तुम्हें भिजवा देते हैं। रे भाया, ये मोटू को क्या हुआ? सब ठीक तो है? पता नहीं क्यों अचानक पागलों जैसी हरकत कर रहा है। तुम प्लीज इसे संभालो, मैं डॉक्टर झटका को फोन करता हूँ। चाय वाले, हमारे महाराज मोटेश्वर को जलेबी भी खिलाओ, हम अभी सोने के सिक्के लेकर आते हैं। जी मंत्री जी। इससे मेरा क्या होगा? थाल भर के लाओ। अरे पैसे क्या तुम्हारे पिताजी देंगे? अपमान, हमारा अपमान हुआ है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आओ, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। अरे आज तेरा हिसाब बराबर कर ही देता हूँ, कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था मैं। आज तेरा अंत आ गया है, अपने ऊपर वाले को याद कर ले। अंत मेरा नहीं, तुम्हारा आ गया है। अरे कब से तरस रहा हूँ तुम्हारी धुलाई करने के लिए। महाराज रुकिए रुकिए।
ये सब क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम झगड़ क्यों रहे हैं? अरे मेरा मुकुट! हम अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। आज तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। मंत्री, तुम बीच में मत आना। इस मुकुट को पहनते ही मोटू खुद को महाराजा समझने लगता है। इस मुकुट में ही कुछ जादू है। मोटू पागल हो गया, मोटू पागल हो गया। रुको, अरे महाराज को कहाँ, मेरा मतलब है मोटू को कहाँ ले जा रहे हो?